सखी कल ना पड़त मोरा जिया गबरा एरी पिया बिना पिया बिना रे रे एरी आई पिया बिना। ये इस वक्त करा साहब जी, आप कसम खुदा जी, आप मजा आ गया। आमीन आमीन गाइस आमीन आमीन को आला मकाम दे आमीन। सब अभी आप यहाँ जो पाकिस्तान में भी आप रहे मौजूद हैं, यहाँ इदारों के बारे में या सिखाने वालों के, क्या आप अभी किसी इदारे में सिखा रहे हैं अभी? नहीं, मैं किसी इदारे में भी सिखा नहीं रहा, लेकिन मेरे शागिर्द हैं पाकिस्तान में, बहुत कराची में बहुत हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं। मैं जहाँ जहाँ मौका मिलता, मैं अभी भी इस इंटरव्यू में भी मैंने दो चार बातें ऐसी बताई हैं कि जो हमारे एक नॉलेज है सीखने वालों के लिए, लेकिन मैं किसी इदारे से वाबस्ता नहीं, और जब इन इदारों को तौफीक होगी तो ये बिल्कुल याद करेंगे। असल बात तौफीक की है, बल्कि मैं कहूँगा हिदायत मिलेगी तो हिदायत मिलेगी, ईमान ले आएंगे, अभी ईमान नहीं लाए। हाँ, ये बड़ा अलमिया है, लेकिन कोई नहीं, अल्लाह ताला सबको खुश रखे, हमें तो अपना काम कर रहा है। एक शेर बड़ा खूबसूरत मैंने पढ़ा था कि शिकवाए ज़ुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, ज़ुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। उसकी वो जाने उसे पास से वफा था कि ना था, तुम फराज अपनी तरफ से तो निभाते जाते। क्या बात है, क्या बात। तो हम तो इस फार्मूले पे चल रहे हैं, और अपना भी अभी तो हमें भी कुछ नहीं आया, तिफले मकतब हैं, सीख रहे हैं। सबसे वो ठुमरी में ज़रूर सुनूंगा बहरी की, और लेकिन उससे पहले मैं फलाक भाई से बात करना चाहूँगा कि अभी आपने जिक्र किया शागिर्दों का, तो ये जो हमारे साथ बैठे हैं साहबजादे, इनका तारुफ आपको कराएं, ये भी आपके शागिर्द हैं। ये मैं अब आपको बताऊं, ये बेसिकली शागिर्द मेरे बड़े भाई के हुए, इश्तियाक बशीर। ये इनकी मोहब्बत है, क़ुर्बत मुझसे हुई, और इन्होंने मुझे वही इज्जत वही मकाम दिया जो इश्तियाक भाई का, क्योंकि इन्होंने कहा कि साहब भाई के जाने के बाद, यानी उस्ताद के जाने के बाद मेरा दिल टूट चुका था। ये हैं कौन, ये मैं भी बताता हूँ। मेरा दिल टूट चुका था और मैंने बिल्कुल, मैं मायूस हो गया था, लेकिन इनको कोई ऐसी बात नज़र आई, तो जब से ये मुझे मिले हैं तो ये मेरे एजाज़ी शागिर्द, गंडा तो इन्होंने इश्तियाक भाई से बंधवाया, लेकिन ये एजाज़ी शागिर्द। घराना तो आप ही कहिए ना। हाँ, ये इनका प्यार है, और ये अमजद साबरी हमारे पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम, उनके ये कज़न हैं, और जनाब ग़ुलाम फरीद साबरी साहब के ये नवासे होते हैं, भांजे, ये बड़ा खानवादा है, और म्यूज़िक का बहुत बड़ा खानवादा। आपको पता उस ग़ुलाम फरीद साबरी साहब, ग़ुलाम मकबूल साबरी साहब, फिर अमजद साबरी के हवाले से दुनिया में ऐसा कवाली में इन हस्तियों ने किया है, उसकी मिसाल पूरी दुनिया में मिलती ही नहीं। और अच्छा, अब आपने बात छेड़ दी है ग़ुलाम फरीद साबरी साहब, मकबूल साबरी, अमजद साबरी की, तो मैं जिस तरह खासा महदीज़ खासा की, आपके वालिद की कंपोजिशन को लोग आज तक गा के अपना घर चला रहे हैं, और आज तक भी चचा ग़ुलाम फरीद साबरी की जो कवाली है ताजदार, भले कितना भी बड़ा कवाल हो जाए क्यों ना हो, उसके बगैर नहीं है वो, 20 लाख रुपए की ना ले ले, क्यों ना ले ले, लेकिन वो लोग उससे फरमाइश जरूर करते हैं, वो खाता है उसकी आज भी, बिल्कुल 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 ऐसे आज भी खाता। ताजदार हरम भर दो झोली, सरेला मकान से ख्वाजा की दीवानी, सरेला मकान से तलब हुई, ये क्या कलाम है कि ये, अच्छा मेरा ईमान है ये कलाम बख्शे हुए हैं, ऐसे ही इन पर मोहर लगी है, ऐसे ही है। भर दो झोली आप जब गाओ जहाँ गाओ। मैं बड़ा खूबसूरत इत्तेफाक हुआ, मैं लंदन से करीब एक शहर है हाई विकम, मेरी वहाँ परफॉर्मेंस थी, तो मैं जब वहाँ गया तो सब वहाँ ख़वातीन, उन्होंने स्कार्फ बांधे हुए और टोपियाँ लगाए हुए मर्द, मैंने यार यहाँ गज़ल क्या सुनेंगे ये लोग, तो सब आ गए मेरे पास, कह लेंगे सर आप
हम बिल्कुल गज़ल सुनेंगे, लेकिन अगर आप हमें शुरू में एक दो कवालियाँ सुना दें। मैंने कहा जी बिल्कुल, कह लेंगे आपको मुश्किल तो होगी, लेकिन मैंने कहा बताएं, कह लेंगे हमें ताजदार हरम भर दो जोड़े, उसके बाद फिर आप जो गाएंगे आप सुनेंगे। मैंने ताजदार हरम सुनाई पहले, उन्होंने बड़ा पसंद किया, करम हो गया, फिर भर दो जोली सुनाई। उन्होंने कहा दो कवालियों के बाद कह रहे हैं बाप गज़ल, मैंने कहा नहीं अब कवाली होगी। दो घंटे में कवाली कहा जरा भी, वो नस्बतें थी उनसे और कलाम की तासीर थी, अल्लाह ने करम किया, वो इतने खुश हुए सारे, कहने भाई ये तो सारा काम ही कमाल हो गया। अच्छा सर, आपने कहा कवाली भी कहता ही रहा, जब तो कवाली ही होगी। खासर कोई आपका एल्बम कोई ऐसा काम जो ऑन रिकॉर्ड हो, पीटीडी से तो मुझे बता आपने बहुत किया वहाँ को है, कि जैसे प्राइवेट एल्बम होता है उसके बारे में कुछ कहें। यार हसन बड़ा अलमिया रहा है पिछले 15-20 साल म्यूज़िक पर, बहुत हमारे हिसाब से अजीब और गरीब ही गुजरे। बैंड्स आ गए थे, पॉपुलर म्यूज़िक बड़ा चल पड़ा था, अल्लाह सबको रोज़ी दे, सब अच्छे हैं। मैं ये कहता हूँ कि जो सुर में गा रहा है वो चाहे पॉप गाए, फोक गाए, कुछ भी गाए, वो प्यारा है हमें। तो वो फिर कैसेट मेरी एक हो रही थी हिंदुस्तान से टी सीरीज से सन 2000 में, और राज चन्ना साहब जो गुलशन कुमार के भतीजे हैं उन्होंने मुझे नोएडा बुलाया और टी सीरीज़ के दफ्तर में बैठ के सारी हमारी वो एल्बम रिलीज डिटेल हुई, डिस्कस हुई, और वो वहाँ से रिलीज़ होनी थी सन 2000। तो वो कोई ऐसा कुछ मसला हुआ, वो मैं अभी डिस्कस नहीं कर सकता, कुछ पॉलिटिकल मामला ऐसा हुआ कि मुझे सडन हिंदुस्तान से वापस आना पड़ा। उसके बाद मेरा दिल नहीं चाहा इधर एल्बम करने का, क्योंकि आपको पता है यहाँ तो मेरी ख्वाहिश यही थी कि हिंदुस्तान से ही हो, वो पूरी होने जा रही थी, लेकिन उसमें एक ब्रेक आ गया, ये भी अल्लाह की मसले थे। लेकिन अब कभी इंशाल्लाह मेरा करेंगे, कहाँ से होगी ये अल्लाह को पता। अच्छा खान साहब पता क्या, आपने कहा कि बीच में वो आ गया और दरवाज़ा खोल के चले गए, एल्बम होनी थी नहीं हुई। अच्छा एल्बम अब कहाँ से हो, वो स्टूडियो भी तो बंद हो गए सारे। नहीं अब तो एल्बम का टाइम ही नहीं, टाइम ही नहीं अब तो, सोशल मीडिया का गेम है, आप अपना क्लिप बना के डाल दें वो अगर आप आर्टिस्ट हो गए, और इसी चीज़ ने बहुत से आर्टिस्टों को ख़राब भी किया। लेकिन मेहनती अगर बंदा हो, काम सीखा हुआ हो, तो वो ज़रा थोड़ा सा अल्लाह पे भरोसा रखता है ज़्यादा, कि यार शॉर्टकट तो हमने 25 साल तो हमें हो गए, शॉर्टकट का तो खैर कोई सिलसिला ही नहीं, अब कब क्या होगा यार रब को पता है, लगे रहो अपनी मेहनत कोशिश ईमानदारी के साथ। बंद रहे बहुत है। अच्छा हाँ सर ये बताइए मुझे कि जैसे आपने अभी सारे शिक्षा की बातें की और इदारों के बारे में भी बताया कि आप कहीं नहीं सिखा रहे, जबकि यहाँ हमारे यहाँ भी दो इदारे इस वक्त कराची में, दो तीन इदारे ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूँ, और आप भी एक इदारे के तो आप भी मेम्बर हैं, कल के हम बैठे हैं यहाँ बैठे हैं, और एक नापा है और एक इदारा है नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स NC लाहौर इस्लामाबाद कराची में PNC। अच्छा कभी कभी PNC ने भी नशीस हो जाया करती थी, वो भी अब ख़त्म हो चुका। हाँ अब नहीं है, नहीं हुई। तो ये क्यों नहीं बुलाते हैं कि यार जो नए आने वाले हैं यार वो फन उनके अंदर ट्रांसफर हो जाए, जिससे भी आपने बड़े काम की बातें की कि कौन कौन सा गाना, अकार का गाना, लकी गाना, चबड़े का गाना, लकी गाना, पेट का गाना, तो ये क्यों आप उसे मुस्तफ़ी नहीं होना चाह रहे, ईमान भी लाए अभी तक ऐसे ही हैं। पहली बात तो ये है, दूसरी बात ये कि ये लोग सीखना नहीं चाहते यार, है ना, शॉर्टकट का एक रास्ता मिल गया ना, तो जब सीखेंगे नहीं तो कौन सिखाएगा यार। आप मुझे बताइए कि आप सीखना चाहेंगे, मेरे दिल में ईमान होगा मैं सिखा दूंगा, और जब आप सीखना नहीं चाहेंगे तो मैं भी ये कहूंगा ठीक है यार मौज लो। इदारों का काम होता है ऐसे लोगों को तलाश करें और उनके जिम्मे ये काम लगाएं, तो सब कुछ अल्लाह कर देगा। लेकिन जब इदारों को ये तौफीक ना हो तो फिर क्या करेगा कोई। सही बात, अच्छा ये आपने बताया, आपने बताया भी इदारों का काम होता ही होगा, लेकिन मसला पता है मैं क्या देखता हूँ, किस तरह देखता हूँ कि मैंने ऐसे शख्स को भी जानता हूँ एक बड़े इदारे में जिसको मैंने कभी जिंदगी में नहीं गाता देखा, आज वो साथ बनाऊँ। हाँ ऐसे बहुत से आदमी को भी जानता हूँ, बहुत से है ना, ऐसे बहुत सारे लोग हैं
और वो सिखाते रहे मैं बताऊँ, ये तो बहुत इल्म की बारीक बातें हैं जो उनको नसीब चीज हो सकती है, सिखा क्या रहे बता क्या रहे, क्योंकि ये बैठक है और हमारी बैठक में कभी भी कोई भी आ सकता है, हमारा बुढ़ा का नाम है बैठक, और बैठक में कोई भी कभी भी आ सकता है, और लेकिन कोई अभी तक चाय लेके नहीं आ रहा, उतार लेके आ रहा कोई चाय हम पिलाएंगे आपको। अच्छा खास साहब आखिरी बात यही कहूँगा कि यहाँ जो मैंने लोगों से बात की देखा है कि उन्हें ये नहीं पता कि गज़ल क्या है ठुमरी क्या है, बाखुद आप यकीन करेंगे कि ठुमरी क्या है गज़ल क्या है ना अभी तक नहीं पता लोगों को। तो आप जो समझते हैं जिसे देखते हैं कि ठुमरी जो है वो सब्जेक्ट जो है तो मतलब जिसे गज़ल नहीं है ना, तो आप ठुमरी को किस तरह देखते हो? अच्छा अच्छा जी कोई बात नहीं, ये वही लोग हैं जो फन के दुश्मन हैं, ये वही लोग हैं जो फन के फनकार के दुश्मन हैं, ये प्रूव हो गया इस इदारे का पूर्णपन। अच्छा अच्छा जी खासा ठुमरी जो है मुझे याद है, देखिए ठुमरी जो है ना मैं आपको बता दूँ ये सिंफ है गायकी की। जी जी बिल्कुल, ठुमरी कजरी दादरा ये तीन सिंफ है, जो गज़ल जो है ना ठुमरी अंग से निकली है। अच्छा गज़ल जो है ठुमरी अंग का सॉफ्ट वर्जन है। देखिए जी बड़ी मालूमाती बात पता चली, और ठुमरी को गाने का असलूब अलग है, कजरी को गाने का असलूब अलग है, दादरे को अलग है, ठुमरी में ताने नहीं लगती, ठुमरी में बड़ी नाजुकी है तो बड़ी छोटी छोटी इरादे, जैसे ठुमरी अगर मर्द गा रहा होता है ऐसा लगता है औरत गा रही है, उसकी शायरी भी ऐसी होती है कि मर्द गा रहा है मोरे सैया नहीं आए, अब मर्द कह रहा है मोरे सैया, सैया खुद है वो और वो कह रहा है मोरे बलम हुआ तुमका जानो प्रीत। तो ये ठुमरी में तो ये तो पूर्वी अंग में ज़्यादातर हुआ, और उसकी गायकी जो है ना बड़ी मुलायमियत नज़ाकियत के साथ और लजाएपन के साथ, दादरे में खड़ा गाना होता है और ताने भी थोड़ी होती है, कचरी का गाना जो होता है जैसे शादी ब्याहों में विवाह के वक्त बच्चियों को रुख्सत किया जाता है, उस वक्त विदेश बच्चियाँ ब्याह उस वक्त कचरी का अंदाज का गाना होता है, ये अलग अलग सिंफ है। दादरा तो वैसे भी लाड का नाम है। हाँ दादरा तो लाड है। हाँ इसमें ताने का तो बनता ही नहीं है। हाँ लोगों ने कहा नहीं यार छोड़ो ये तो बहुत टाइम लगता है भाई, ये सही है, इसमें उन लोगों का बड़ा कसूर है। क्लासिकल इतनी खूबसूरत सिंफ इसको बताएं आप, शॉर्टकट से बढ़ा दिए कि जो सीधा रास्ता वो बता दें, सादा आसान समझ में आएगा। अभी देखिए ना खासा मैं अपने चैनल पर कसल की जो बात कर रहा हूँ ना, अभी लोग छुपाते हैं ना कसल को, मैं आसानी से बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि लोगों की देखते हुए बात निकालना चाह रहा हूँ कि भाई मुश्किल नहीं है। मैं बिल्कुल कैदर से आपका शुक्रगुजार हूँ हसन, आप खुद बहुत कमाल और बहुत लाजवाब आर्टिस्ट हो, और आपके लिए बहुत सारी तमन्नाएं दुआएं हैं, अल्लाह बहुत करे तो शुक्रिया।
इतनी देर आने वाली जनरेशन भी करे, अल्लाह ताला आप सबको इसी तरह कायम रखे। और आपने देखना है और कामयाबियां हो बहुत सारी, अल्लाह ताला आपको कामयाब। अच्छा वो भैरवी में नहीं है, वो बिलावल में है। हमरे दो नैना तुमरी, ओ हमरे दो नैना, हमरे दो नैना, हमरे दो नैना तुमरी, ओ हमरे तो तुम ही एक ही साजन, एक ही साजन बालम, एक ही साजन, एक ही साजन, साजन हमरे तो तुम ही एक ही साजन, हम जैसे लाख करोड़ रे, हमरे दो नैना तुमरे जो, हमरे दो नैना हमरे हमरे दो हमरे दो हमरे दो और हमारे इस शहजादे के लिए भी दुआ करें, अल्लाह इन्हें कामयाब करे। और जितना भी माँ साहब के फन के पास है फन, वो आप पर ट्रांसफर हो।